और यहाँ पूरी तरह से कोई फेरबदल नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, मुड़ना बने रहेंगे अपने जगह पर जो बतौर गोलकीपर के तौर पर नजर आ रहे हैं हरीश एफसी की ओर से। और ये बाहर है भाई, हवा में फैलते नजर आए हैं। रोना पड़ा जी मैच के प्रमुख रहे, छोटे कदर काफी गए हैं लेकिन धमाका बहुत बड़े बड़े छोड़ते हैं मिश्र दीघा पर, है तो देखना पड़ेगा। काम लिए कोई गति नहीं, बस गेंद को टहलाया मात्र और उसी क्रम में उन्हें मिल गई कामयाबी। इस तरह से टीम दो गोल करने में सफल हुए हैं की टीम। अब तीन अगर पेनल्टी में मैच को अगर खपाएंगे गोल की करना पड़ेगा यहाँ प्रत्येक टीम खिलाने के दौरान। और जर्सी नंबर 14 दिया था मैच में, गलत गलत दिशा को चूज के यहाँ पे गेंद आई गोलकीपर के पास और गोलकीपर दाहिने साइड को टारगेट किए, इस वजह से पहला स्कोर करने में सफल हुए हैं हरीश शशि। और इस तरह से दूसरा शॉट पहला गोल हुआ है, यहाँ गोल करेंगे तो तीन शॉट हमें देखना पड़ेगा। एक्चुअली हरीश शशि की टीम अच्छी बात कर ले चुके हैं यहाँ पर। गजब का पंच यहाँ पर के साथ खिलाड़ी काफी नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि गति अभाव है कम से कम पेनल्टी में भुरकुंडा की टीम को। अगर यहाँ फिर से पंच जरूर हुआ तो जीत सकते हैं ब्रदर्स भुरकुंडा। उन्हें वो जब्जा है बेहतर गोल कीपिंग किया करते हैं। ये विकास है चलिए बेहतर और इस तरह से मैच फिर से ड्रॉ। सेकंड बॉल में थोड़ी सी लूज पॉइंट आई, इस वजह से मैच किसी तरह 1800 रुपए बड़ी खसी बड़ी लग रहा बलदान डेयरी का प्राइस जस्ट फॉर मी कसो रुपए। मैं आपको बड़े नहीं लगा था मैच में चला दिए फिर से हाथ उठा लीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया किसाई दरभंगा भुरकुंडा।